हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ इबिडियोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन वन डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, इनकी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन टू नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन थ्री नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड ऑप्शन फोर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि जी आपका इबिडियोस्कोपिक कांस्टेंट है यानी कि केबी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, और हमारे पास चारों ऑप्शन गिवन है डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो आपका जो इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज के बी, वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अभी देखिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो आपका सॉल्यूट है उसका मेजर क्राइटेरिया की होगा कि जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा यानी कि वो वेपराइज नहीं करेगा। आपका वेपर फेज में सिर्फ जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसी का वेपर प्रेशर रहेगा, उसी का वेपर पार्टिकल्स रहेगा, आपका सॉल्यूट का कोई भी पार्टिकल्स नहीं रहेगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे दैट व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज एलिवेटेड, जो कि हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का बेसिक टर्म्स है। सो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका बढ़ रहा है, सॉल्वेंट का बढ़ रहा है, क्योंकि जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड है, वो नॉन वोलाटाइल है, तो जो भी चेंजेस होगा वो आपका सॉल्वेंट के रिलेटेड होगा। सो जो आपका इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है के बी है, हम क्या लिखते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यही फॉर्मूला है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। सो ये जो के बी है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। हिंस द इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट के बी विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू दैट इज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।